हेलो बच्चों, सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन ने कल सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत अध्याय 2 का अध्ययन किया, जिसमें अपन ने साउथ अफ्रीका का संविधान के बारे में चर्चा की। रंगभेद प्रणाली नीति को किसने चलाई, कैसे वहाँ पर संविधान लागू हुआ, इस विषय पर अपन ने चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे कि हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है। संविधान क्या होता है, संविधान कैसे बनता है, तो हमें संविधान की जरूरत क्यों है, संविधान क्या है, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। हमें संविधान की जरूरत क्यों है, संविधान क्या है, इस बात पर हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझेंगे। इस बात को मतलब जो दक्षिण अफ्रीका का है संविधान, उससे समझ सकते हैं। वहाँ नए लोकतंत्र के वहाँ मतलब इस लोकतंत्र में नया लोकतंत्र वहाँ पर बना, दमन करने वाले, दमन सहने वाले दोनों ही। इस लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ में ही रोज बना रहे थे। क्या बना रहे थे, योजनाएं बना रहे थे कि संविधान कैसे बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए। दोनों एक दूसरे पर, संविधान कैसे बनेगा जब हम दोनों जब दो संगठन मिलकर एक दूसरे पर क्या करेंगे, भरोसा करेंगे, और कोई भी मतलब जो अपन कार्य करते हैं उसके प्रणाली कोई कार्य प्रणाली बनाते हैं, तो उसको आगे ले जाने के लिए हमें सबसे पहले एक दूसरे पर क्या करना होगा, भरोसा करना होगा। लेकिन किसी पर भरोसा करना इतना आसान भी नहीं होता। जब कोई बड़ा बड़ी योजना बनती है, बड़े कार्य होते हैं, तो उसके लिए पहले योजनाएं बनती हैं और उन योजनाओं पे भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जब तक आप भरोसा नहीं करोगे, तब तक आपको कोई भी मतलब कोई भी नई प्रणाली पर अगर आप भरोसा करोगे, तभी आप उस पर क्या होगे, सफल होगे। वे अपने हितों की रखवाली नहीं चाहते थे। मतलब आप कोई भी कार्य शुरू करो, कोई भी मान लीजिए आप चुनाव होते हैं, तो जो जनप्रतिनिधि होता है उस पर अपन को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा विश्वास करना पड़ता है। अगर अपन विश्वास नहीं करेंगे या अपने हितों की रखवाली भी चाहते हैं कि अरे ये अपना प्रतिनिधि चुनेगा तो अपन को ये क्या करेगा, सहायता करेगा, इसलिए तो इसे बहुसंघ मतलब बहुसंघ आश्रय इस बात पर चौकसते थे। मतलब उनको ये इस बात का भी वो था कि ये कैसे होगा, कैसे करेंगे, तो ये चौकस थे कि कोई भी कार्य करने के लिए वो सुदृढ़ तैयार थे। लोकतंत्र, लोकमत और लोकतंत्र में बहुमत शासन वाले मूल सिद्धांत को कोई समझौता ना हो, उन्हें बहुत सारे सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार भी चाहते थे। मतलब जो लोकतंत्र में बहुमत शासन, मतलब जो लोकतंत्र में लोग आते हैं वो कैसे आते हैं, बहुमत से। तो बहुमत से ही क्या होता है, सिद्धांत मतलब शासन प्राप्त होता है। इनके मूल सिद्धांत होता है मतलब कोई समझौता ना हो, लोकतंत्र से और मूल सिद्धांतों से लोग चाहते थे कि कोई समझौता ना हो और बहुत सारे सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार भी वो क्या करते थे, चाहते थे। लंबे समय तक संविधान बनने के लिए फिर लंबे समय तक क्या हुई, वार्ता चली, बातचीत चली। जब कोई भी संविधान बनेगा तो जल्दी संविधान बनाना कोई आसान बात नहीं। संविधान बनाने के लिए लंबे समय तक वार्ता चली, बातचीत हुई, बाद में दोनों पक्षों का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। मतलब लोग और संगठन जो थे, दो संगठन जो थे वो चाहते थे कि संविधान बने। लंबे समय तक उसको समझौते का रास्ता अपनाने को फिर वो क्या हुए, क्योंकि संविधान जो है बेटा बच्चों एक ही बार बनता है, तो समझौता का रास्ता अपना जो वहां पे गोरे मतलब गोरे लोग थे जो
वो एक व्यक्ति एक वोट के लिए क्या हो गए, मान गए कि कोई भी बहुमत या समझौता या सरकार बनाने के लिए वोटों की आवश्यकता होगी, तो प्रति व्यक्ति एक वोट के लिए वो मान गए। आश्रित लोग, जो आश्रित लोग थे, इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। तो जो कुछ लोग थे, आश्रित लोग थे, वो इस बात के लिए सहमत हो गए कि बहुमत के आधार पर ही सारे फैसले होंगे, पर कुछ लोग ये चाहते थे कि सारे फैसले बहुमत के आधार पे ना हो। इसे लागू करने के लिए पहली जरूरत थी एक दूसरे का भरोसा। मैंने पहले भी बताया कि अपन किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले होता है भरोसा, एक दूसरे पर भरोसा। जनता का आपने लोकतंत्र में पढ़ा, जनता के लिए शासन। तो जब तक जनता अपने प्रतिनिधि पे भरोसा नहीं करेगी, तब तक वह आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसे लागू करने के लिए पहली जरूरत थी एक दूसरे पर भरोसा कर ले। क्या गारंटी है कि भरोसा तोड़ा नहीं जाएगा? तो इससे लागू करने के लिए सबसे पहली जरूरत थी भरोसा। तो इसे मतलब आप पहले सोचते हो ना, मान लीजिए जनरल भाषा में आप सोच लीजिए, आप अपने फ्रेंड से भी कोई बात कहते हैं और उससे कहते हैं यार किसी से कहना नहीं, है ना, आप भरोसा कर लेते हो, हाँ ठीक है। तो सामने वाला ये सोचता है कि क्या भरोसा है कि ये इस भरोसे को तोड़ेगा नहीं। तो क्या गारंटी है कि भरोसा तोड़ा नहीं जाएगा? ऐसी स्थिति में भरोसा बरकरार रखने के लिए एक तरीका था, जो बातें हुई उसे क्या करें। तब भरोसे के लिए क्या किया, ऐसी भरोसे के लिए उन्होंने किया कि ऐसी स्थिति भरोसा बरकरार रखने के लिए एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई वह उन्हें क्या हुआ, लिखित और पठित में लिया जाए। तो जो भी नियम बने, जो भी कानून बने, उनका एक ही भरोसा रखने के लिए उनको ये तय करना हुआ कि जो भी कानून बनेगा वो लिखित या पठित में लिया जाएगा, जिससे सभी लोगों को जिससे वो जो नियम कानून है उसको सभी लोग मानने के लिए क्या हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे। अगर संविधान कोई भी नियम कानून लिखकर बनाए जाते हैं, लिखित में घोषित होते हैं, तो उनको सबको मानने के लिए सभी लोग क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की खासियत नहीं थी, जो संविधान था जो वहां दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान था, वहां का संविधान की जो रचना थी वह सिर्फ कोई खासियत नहीं थी, क्योंकि हर देश के अलग अलग समूह के, मतलब भारत बहुत बड़ा देश है, संविधान सभी देश के अलग अलग होते हैं। हर देश के जो संविधान होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। समूहों में लोग रहते हैं, पर दुनिया भर में लोगों की बीच के विचार और नेतृत्व की फर्क होता है। हर देश का अपने अपने विचारधारा होते हैं, हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा होती है। तो हर देश में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं और दुनिया भर में लोगों के बीच में और विचारों में, हितों में क्या होता है, फर्क होता है। सब अपने अपने स्तर पे सोचते हैं कि हमें क्या, मतलब सिर्फ लोग अपने बारे में सोचते हैं कि हमारे हित में क्या है। तो इन सब चीजों में क्या होता है, विचारधाराओं में और हितों, जो अपने हित में सोचते हैं उन सब में सबके अपनी अपनी विचारधारा और अपने अपने हित क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और सबकी सोच भी कैसी होती है, अलग अलग होती है। लोकतांत्रिक प्रणाली हो या ना हो, मतलब जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, भारत कैसा दूसरे लोकतांत्रिक प्रणाली भारत में भी है, लोकतांत्रिक प्रणाली में हो या ना हो, दुनिया के सभी देशों को ऐसी बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, अगर हो या ना हो, लेकिन दुनिया में सभी देशों में ऐसी बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। अगर किसी भी देश में नियम कानून नहीं होंगे तो वहां पे जो व्यवस्थाएं वे कैसी हो जाएंगी, अव्यवस्थाएं हो जाएंगी, वहां पे अराजकता बढ़ जाएगी, वहां पे कोई किसी का मतलब बात ही नहीं मानेगा। तो इससे
देशों की बुनियादी नियुक्त मतलब किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकार पर लागू नहीं होती, हर संगठन के कायदे कानून कैसे होते हैं, हर संगठन में क्या होते हैं, कायदे और कानून होते हैं, मतलब सरकार यह जो नियम यह जो बात है सिर्फ सरकार पर लागू नहीं होती, ये हर संगठन हर व्यक्ति हर नागरिक पर लागू होती है कि वह कानून और नियम का पालन करे। संविधान इसे ही क्या होता है, यही संविधान होता है। संविधान में जो होते हैं सभी को संविधान के मतलब जो आपकी देश की अर्थव्यवस्था देश की शासन व्यवस्था है उस पर क्या करना पड़ेगा आपको, उसी के हिसाब से उसी के जो नियम है कानून है और जो नियम कानून बनाए हैं सरकार ने संविधान से निर्मित है जो कानून जो बने हुए हैं वो सबका पालन सरकार को भी करना होगा और लोकतंत्र को भी मतलब लोक मत जो देते हैं संगठन है कई जो हर प्रकार के संगठन है उनको भी इन सबका पालन करना होगा। इस तरह आपके मान लीजिए आपके इसी तरह आपके इलाके में या कोई भी सरकारी संगठन होगा या फिर राजनीतिक दल होगा सभी को संविधान की जरूरत होती है। आप देखिएगा कि आप छोटे छोटे इलाके में देखेंगे तो जो राजनीतिक दल होते हैं कई छोटे छोटे सहकारी समितियां होती हैं संगठन होते हैं छोटे छोटे जो काम होते हैं उनके लिए क्या होती है, सब अपने अपने नियम के हिसाब से सरकारी जो संगठन होते हैं वो अपने हिसाब से राजनीतिक दल होते हैं जो अपने, लेकिन उन सब दलों को संगठनों को क्या है संविधान की क्या होती है जरूरत होती है। वो अपने देश के हिसाब से जो नियम कानून बने हैं जो संविधान बना है उसको उस हिसाब से मतलब उस हिसाब से ही क्या करते हैं संचालित करते हैं। तो चाहे कोई राजनीतिक दल हो सरकारी दल हो सहकारी संगठन हो समितियां हो उन सबको काय की आवश्यकता होती है, संविधान की क्या होती है आवश्यकता होती है। तो हर क्षेत्र में हर देश में संविधान अलग है क्योंकि वहां के लोगों के रिवाज अलग है तो लेकिन उसमें सबको नियम और कानून के साथ ही रहना होता है। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जो संविधान है मान लीजिए कोई भी देश का संविधान होगा भारतीय संविधान हो तो कोई भी देश का जो संविधान होगा वो कैसा होगा वहां का संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसमें किसी भी देश में रहने वाले सभी लोगों को सामूहिक रूप से उसे मानते हैं। संविधान होगा वहां पर लिखित नियमों की एक ऐसी किताब, कोई भी देश हो वहाँ संविधान पारित होता है उसके जो संविधान होता है जैसे भारत का संविधान कैसा है लिखित, संविधान लिखित होते हैं जिसमें किसी भी देश में रहने वाले सभी लोगों को सामूहिक रूप से क्या करते हैं मानते हैं। तो संविधान कैसा कानून है, संविधान सर्वोच्च कानून है, संविधान कैसा कानून है सर्वोच्च कानून है जिसमें किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग मतलब किसी भी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं जनता संगठन ये सब जो है ये इन्हें नागरिकों को कहा जाता है, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जिन्हें नागरिक कहा जाता है आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोग अपनी सरकार के बीच में भी क्या बनाते हैं संबंध बनाते हैं। अपन मान लो कोई भी व्यक्ति है जिसे किसी भी देश में कानून लागू हुआ संविधान बना कोई भी सरकार चुन के आए तो उसके बीच सरकार और जनता के बीच में क्या होता है तालमेल होता है और उन सबको उनके बीच में मतलब साथ साथ लोगों के साथ सरकार के बीच में भी संबंध तय होते हैं, मतलब जो संबंध है जैसे कि मान लीजिए आपको कोई कार्य करना है उसके लिए आप आगे बढ़ने के लिए अकेले तो जाओगे नहीं लेकिन जो सरकार अपन को नियम और जो भी आगे बढ़ने के लिए घोषणा करती है उसके बीच में अपन क्या बनाते हैं समन्वय बनाते हैं, सरकार और जनता के बीच में क्या होता है समन्वय होता है तभी कोई भी चीज। तो सरकार और
लोगों के बीच में और सरकार के बीच में मतलब तालमेल अच्छा हो, तो वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं कैसी रहती हैं, शासन व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहती हैं। तो कैसा होता है संविधान, लिखित होता है। और संविधान सर्वोच्च कानून होता है किसी भी देश के लिए। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो, यह जरूरी नहीं है। मतलब जिन देशों में क्या होता है, जिन देशों में संविधान हो वे सभी देश वे लोकतांत्रिक शासन वाले हो, यह जरूरी नहीं है। लेकिन जिन दोनों देशों में लोकतांत्रिक शासन है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां पर संविधान होना क्या होता है, जरूरी है। जहां पर लोकतांत्रिक शासन है वहां पर क्या जरूरी है, लोकतांत्रिक शासन है वहां पर संविधान होना क्या है, जरूरी है। ब्रिटेन के लिए मतलब ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिका लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। मतलब अपने भारत देश में संविधान बना, तो ब्रिटेन के खिलाफ भी आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिका ने भी संविधान का क्या किया, निर्माण किया। तो ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिका ने भी क्या किया, अपने लिए क्या बनाया, संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को क्या दी, मान्यता दी। जो फ्रांसीसी लोग थे, फ्रांसीसी लोग ने भी क्या किया, क्रांति के बाद, फ्रांसीसी क्रांति आपने इतिहास में पढ़ी, उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने भी क्या किया, लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। तो जो एक लोकतांत्रिक संविधान को जब मान्यता मिली, तो इसके बाद हर देश में हर लोगों में यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। संविधान लिखित हो, पहला यह साथ विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी है और भरोसा और सहयोग भी विकसित करता है। और यह स्पष्ट करता है कि सरकार गठन कैसे हो, फैसले कैसे लेने का अधिकार हो। तो यह समाज के गठन के लिए आकांक्षाओं को क्या करता है, व्यक्त करता है। जिस देश में संविधान है वे सभी देश कैसे होते हैं, लोकतांत्रिक शासन वाले होते हैं। इसलिए हमें संविधान की क्या होती है, आवश्यकता होती है। संविधान में जो नियम बनते हैं लोकतंत्र के लिए मतलब वहाँ की शासन व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है। तो संविधान कैसा होना चाहिए, संविधान लिखित हो, और संविधान की इसलिए हमें क्या होती है, जरूरत होती है। धन्यवाद विद्यार्थियों।